हम लोग 9 बजे दिखा, उधर से आवाज आया था, घास करने गया था, आवाज सुनने के बाद यहीं पे पहुंच गया। जाके देखी बांग्लादेश से आदमी आया, बोलता है जय श्री राम, देश में शांति चाहिए, हम लोग को गेट खोल के दो, हम इंडिया में घुसेंगे। BSF आया, BSF बोला गेट नहीं खुलेगा, आप लोग आपस चले जाओ। वो लोग मानता ही नहीं है, फिर भी बोलता है जय श्री राम, हम लोग को घुसने दो। बहुत BSF आया था, आके अंदर में घुस गया, थाना वाला आया, आज 9 बजे तक ड्यूटी किया। उसके बाद आदमी बहुत आया था, 1-1.5 हजार हो गया। बाद में हम लोग भी सुस्ता, सारा दिन भर वो लोग खाना भी नहीं खाया, गेट खोल देता तो इधर से पब्लिक थोड़ा बहुत खाना भी देता, तो गेट तो खोलने नहीं देगा BSF। हम लोग शाम तक देख लिया, लोग बोलता है जय श्री राम, हम लोग को घुसने दो, BSF नहीं देता है घुसने। इधर आएगा भारत का नुकसान होगा, फिर हमारा भी नुकसान होगा, खाना पीने कौन देगा उसको? मोदी सरकार देगा, हम लोग को तेल का दाम बढ़ देगा, चावल का रेट बढ़ देगा, PS का रेट बढ़ देगा, इसलिए वो लोग नहीं दिया घुसने। तो वो लोग जब आए, ये लोग कौन लोग थे और कौन से? हम लोग सुना था वो ढाका का आदमी है, उधर क्या हो गया शेख हसीना भाग गया इंडिया में, वो लोग बोलता है हम लोग भी जाएंगे, ऐसे बोलता है, हम लोग सुना था वहां। तो BSF उसके बाद क्या किया? BSF बोलता है आप लोग चला जाओ, यहाँ तो घुसने नहीं देगा, सरकार का अटल नहीं है, आपको घुसने देंगे? तब मानता ही नहीं है, फिर भी आज 7 बजे तक वहीं बैठा हुआ था। थाना वाला बार बार आता है, बोलता है वो लोग को वापस कर दो। बाद में 7 बजे कहा कि हम लोग को मालूम ही नहीं है। इंडिया की तरफ आया क्या? नहीं आया, इंडिया का तरफ नहीं आया, वो नाला है, नाला पार के आया था। BSF बहुत है ना, आने नहीं दे। तो अभी कैसा स्थिति है? अभी क्या वो लोग है, कल आया था जैसे आप बोल रहे हैं, फिर वापस चला गया, आज क्या आपने देखा उन लोगों को? फिर आज तो देखा नहीं, वहाँ गया था, नहीं है आदमी, नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वो लोग तो बहुत पुकार रहे थे कि हम लोग को अंदर आने दो, इंडिया आने दो, बांग्लादेश इंडिया आने दो। आप लोग क्या चाहते हैं इंडियन के हिसाब से? हम लोग चाहता है वो भी वहाँ फैसला कर, उधर भी शांति था, भारत भी शांति रहेगा, इधर आएगा तो भारत का अशांति होगा, बांग्लादेश का भी अशांति होगा। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है, वो तो भाग गया, नूतन करके परसों बनाया, वो लोग बोलता है शांति चाहिए, तो भी ये लोग मानते नहीं है, भारत आने चाहता है। माइनॉरिटी जो पीपल है इनका ऊपर बांग्लादेश में काफी अत्याचार हो रहा है, ऐसा सुना है आपने? हम लोग तो देखा नहीं उधर तो कोई गया नहीं, कैसे सुनेंगे? तो किस लिए वो लोग इंडिया आना चाहते थे? एक आदमी वहां बोलता, बोले शेख हसीना का आदमी है, शेख हसीना भारत नहीं गया, हम लोग भी वहां जाएंगे, ऐसे बोला था। कोई जय श्री राम, हम लोग इंडिया में जाएंगे, इसके बाद वापस चला गया। बहुत BSF आया था, BSF तो घुसने नहीं देगा, चला गया सब रात को। हम लोग तो कुछ भी रहने वाला है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अमीनिया है। कल यहाँ पे क्या घटना घटी? कल जो घटना हुई थी, हम ऐसे सुना हुआ है जब बॉर्डर पे आदमी आया था, उसके बाद हम भी आया था, सुना था ये लोग जो हम इंडिया जाएंगे, उसके बाद हम लोग आया देखा, फिर बॉर्डर भी BSF भी था, ऐसे देख के हम लोग घूम के चला गया। वो लोग क्या वापस चले गए अपने देश में या इंडिया में ही चले आए, क्या देखा? नहीं, हम लोग ऐसे देखा हुआ है, वो लोग आया था हम इंडिया जाएंगे, उसके बाद तो BSF था, इसे बोला माने नहीं देंगे, तो उसको कट्टा हुआ था, हम लोग निकल गया यहाँ से। वो लोग फिर वापस चला गया, पता नहीं है रात में किया नहीं किया है, हम देखा नहीं है भाई। अच्छा, तो अभी आप क्या देख रहे हैं उनको, फिर से आया है वो लोग? अभी तो हम नहीं देखा है उसको। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग?
आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहेंगे, वो तो सरकार का बात है भाई, हम लोग क्या चाहेंगे। नहीं, वो लोग अगर इंडिया आना चाहते हैं, अगर कायदे कानून से इंडिया उनको रिसीव करता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखो सरकार का बात है, ये लोग इंडिया आएगा नहीं आएगा वो तो सरकार का बात है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं भाई वो लोग बांग्लादेश में है उसमें रहने दो, हम लोग इंडिया में इंडिया में रहेंगे, उसके बाद सरकार फैसला लेगा। क्यों वो लोग इंडिया आना चाहते थे, आपको क्या पता है इसके बारे में? नहीं, ऐसे खबर में सुना हुआ है, ठीक है, जो बांग्लादेश में कुछ झगड़ा हो रहा है, जो सरकार गिर गया है, दूसरा सरकार बना हुआ है, पता नहीं वो लोग का शत्रु लोग को बन रहे नहीं बन रहे, यही बात है और क्या है।